सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले दिल्ली के गैंगस्टरों की फेहरिस्त में टिल्लू ताजपुरिया का नाम काफी ऊपर है। जी हाँ, वही टिल्लू ताजपुरिया जिसके गुर्गों पर अभी हाल ही में उसके जानी दुश्मन गोगी गैंगस्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में धावा बोला और इस गैंगवार में दो बेगुनाहों समेत कुल चार लोग मारे गए। टिल्लू दिल्ली का सबसे बदनाम गैंगस्टर नीरज भवानिया का करीबी माना जाता है और फेसबुक समेत दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट में वो खुद भी इस बात का ऐलान करता घूमता है। और तो और, अपने गुरु नीरज भवानिया की तरह ही टिल्लू ने भी अपने फेसबुक अकाउंट में अपनी पहचान एक गैंगस्टर की लिखी है और बंदूकों के साथ तस्वीरें डालकर ये खुला ऐलान कर दिया है कि अब वो जुर्म के रास्ते से पीछे नहीं हटने वाला। और तो और, उसकी फेसबुक की बैकग्राउंड पिक्चर भी गोलीबारी के किसी सीन ऑफ क्राइम की है जिसमें गोलियों के खोखे, पिस्टल और एक लोटा पड़ा है। इस साल 26 अप्रैल को उसने अपने अकाउंट में 30 सेकंड का एक वीडियो क्लिप शेयर किया था जो उसके मिजाज और करतूतों की झलक दिखाता है। इस वीडियो में एक कार का इनसाइड व्यू है जिसमें बंदूक और गोलियों का जखीरा मौजूद है जबकि बैकग्राउंड में पंजाबी गाना बजता हुआ सुनाई दे रहा है। ठीक इसी तरह टिल्लू की टशनबाजी के कई और वीडियो YouTube पर मौजूद हैं। हालांकि टिल्लू की तरह उसके दुश्मन नंबर एक और इन दिनों दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड गोगी गैंगस्टर YouTube पर तो है, लेकिन फेसबुक पर उसका फिलहाल कोई अकाउंट नहीं। गोगी भी दिल्ली के ताजपुर इलाके है। टिल्लू के साथ उसकी पुरानी अदावत चली आ रही है। जानकार बताते हैं कि दोनों की दुश्मनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के वक्त आज से कोई 11 साल पहले हुई थी और ये दुश्मनी हर गुजरते दिन के साथ लगातार बढ़ती रही। हालत यह है कि अब तक इस दुश्मनी और गैंगवार में कुल 16 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जानकारों की माने तो ये गैंग दिल्ली में संगठित अपराध के वो चेहरे हैं जिनसे पार पाना अब दिल्ली पुलिस के लिए भी मुश्किल होने लगा है। कहने को तो नीरज भवानिया और टिल्लू ताजपुरिया जैसे गैंगस्टर इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन यह भी सच है कि इनके नाम से अब भी पूरी दिल्ली में रंगदारी वसूली का काम धड़ल्ले से चल रहा है और इन गैंगस्टरों के गुर्गे सोशल मीडिया पर उनके नाम से अकाउंट चलाकर खौफ और राज कायम रखते हैं। जरूरत पड़ने पर यही गैंगस्टर अपने शिकार को सोशल मीडिया का लिंक देकर अपना प्रोफाइल चेक करने की सलाह देते हैं और जब भी आदमी या कारोबारी ऐसे गैंगस्टर की प्रोफाइल देखता है तो कुछ देर के लिए ठिठक जाता है। और तो और, नीरज भवानिया के एक फेसबुक पेज को जहां 57,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, वहीं कुछ वीडियोज की व्यूअरशिप भी लाखों में है। खास बात यह है कि इन गैंगस्टरों को न तो अपने गुनहगार होने पर कोई शर्म है और न ही अपनी करतूतों पर रत्ती भर भी मलाल। यही वजह है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में न सिर्फ ये अपने नाम के साथ गैंगस्टर का टैग बड़ी शान से चिपकाए रखते हैं, बल्कि इसी टैग के जरिए अपना गंदा धंधा आगे बढ़ाते हैं।